इस वक्त अरब देशों में एक माहौल सा खड़ा हो गया है भारत के खिलाफ। हालांकि ये माहौल बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई न कोई इस माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहा है। कोई भी भारत के खिलाफ खड़े हुए इस माहौल को खत्म नहीं होने देना चाहता है, रुकने नहीं देना चाहता है। ऐसे में सबकी नजरें थी ईरान के विदेश मंत्री के ऊपर, जो इस वक्त भारत आए हुए थे, क्योंकि ईरान भी उन देशों में शामिल था जो भारतीय राजदूत को बुलाकर पैगंबर मोहम्मद के बयान पर आपत्ति जताई थी। पर ईरान के विदेश मंत्री भारत आए, भारतीय विदेश मंत्री से मिले, पीएम मोदी से मिले और अजीत डोभाल से भी मिले, लेकिन उसके बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने जो बात कही उस बात पर भारत बौखला गया। और भारत के बौखलाने का असर ये हुआ कि मात्र कुछ मिनटों के अंदर ईरान को झुकना पड़ा। जानेंगे क्या है मामला और कैसे भारत ने न सिर्फ ईरान का झूठ पकड़ लिया बल्कि यूएनएससी में भी साथ नहीं दिया। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये मामला इतना बड़ा बन रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और भारत आने के बाद ये भारतीय विदेश मंत्री के साथ मिले, भारतीय विदेश मंत्री के मुलाकात के बाद भारतीय पीएम से भी मिले। ये बहुत बड़ी बात है। ईरान चूंकि इतने प्रतिबंधों से घिरा हुआ है कि ईरान को इतना ज्यादा आदर और सम्मान बाकी किसी देश में जल्दी मिलता नहीं है, पर भारत ने ईरानी विदेश मंत्री को सारा कुछ सम्मान दिया। आपको याद होगा हाल में चीनी विदेश मंत्री भी भारत आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी इच्छा जताई थी कि पीएम मोदी से उनका मुलाकात हो। वैसे उन दिनों ब्रिक्स का सम्मेलन भी होना था और ये एक ठोस वजह थी कि पीएम मोदी से वो मिल सकते थे, पर पीएम मोदी ने मना कर दिया और वो मुलाकात नहीं हुई थी। पर ईरानी विदेश मंत्री भारतीय पीएम से भी मिले और उन्हें वो सम्मान भी दिया गया। सब कुछ अच्छा चला। यहाँ पर इन्होंने जो मीटिंग की उस मीटिंग में बात हुई चाबहार पोर्ट को लेकर, नॉर्थ कॉरिडोर को लेकर, कि कैसे हम अपने व्यापार को रूस के साथ और ज्यादा बढ़ाएं और रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चाबहार को भी एक्टिवेट करें और नॉर्थ कॉरिडोर को भी एक्टिवेट करें। यहाँ पर ईरानी विदेश मंत्री आने के बाद और भी लोगों से मिले, कुछ प्राइवेट फंक्शन में भी गए। ये प्राइवेट फंक्शन में जाने के बाद इन्होंने वहाँ ये बातें कही कि ईरान भारतीय मुसलमानों को लेकर हमेशा आवाज उठाता रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मुसलमान यहाँ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और यहाँ के शांति और लोकतंत्र में हिस्सेदारी कर रहे हैं। एक बहुत ही नॉर्मल विजिट थी, सब कुछ था। इस विजिट का इंतजार इसलिए भी था क्योंकि जिस तरीके से अरब देशों में भारत के खिलाफ माहौल बन रहा था, ईरान की मंशा जानना बेहद जरूरी था। तब ईरानी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि उन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, ये बिल्कुल सही है और मैं इससे संतुष्ट हूँ, हमें आगे कुछ नहीं कहना है। मतलब मामला यहाँ हो गया रफा दफा। लेकिन ईरान की वेबसाइट में, जो आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पर इस मीटिंग के बारे में जो ब्योरा छपा, वो ब्योरा भड़काने वाला ब्योरा था। उस ब्योरे में ये लिखा गया कि अजीत डोभाल से हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है और अजीत डोभाल ने ये कहा है कि जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर सरकार लेगी एक्शन और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट लेवल पर एक्शन होगा ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। अब ये जैसे ही अजीत डोभाल का नाम आया कि अजीत डोभाल के साथ ऐसी बातचीत हुई है, वैसे ही पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसे छापना शुरू कर दिया और भारत के लिए ये बात हो गई बहुत बड़ी, जिसके बाद भारत ने सीधे सीधे ईरान को कहा कि आपने गलत चीज क्यों छापी, जब हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है तो आपने अपने सरकारी वेबसाइट में इस तरह के बयान क्यों डाले। हमारे बीच चाबहार का बात हुआ है, नॉर्थ कॉरिडोर का बात हुआ है, ट्रेड का बात हुआ है, व्यापार का बात हुआ है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुआ है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट ने किसी धर्म के विषय में कुछ नहीं बोला है और जो जिन दो लोगों ने बोला है वो भी एक टीवी में बहस के दौरान, प्राइवेट डिबेट के दौरान उन्होंने बोला है, उसके ऊपर सरकार ने एक्शन भी ले लिया है। इससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती है और इस मुद्दे को बड़ा बनाना कोई आम की बात नहीं है। जब जैसे ही
भारत सरकार की तरफ से ईरान को ये गया वार्निंग, वैसे ही ईरान सीधे सकते में आ गया और ईरान ने तुरंत उस बयान को करेक्ट किया और वो जो अपना वर्जन बनाकर डाला था कि खुद से ही कुछ से कुछ लिख दिया, उन्होंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। ईरान को ये बात समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा इज्जत मिला लेकिन इसका इस्तेमाल तरीके से करो, धोखेबाजी के लिए ना करो और सम्मान करो रिश्तों का। खैर, जहां ईरान को एक चीज यहां पे समझ में आई तो वहीं ईरान को लेकर यूएनएससी में भी एक हंगामा हुआ। और यूएनएससी में ये हंगामा क्यों हो रहा है तो आपको बता दे, यहां पर ईरान चाह रहा था कि भारत साथ दे दे ईरान को। दरअसल ईरान ने हाल ही में एक फैसला लिया है, 2015 में जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हुए थे तब ईरान ने जितनी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहां पर कैमरे लगवा दिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये कैमरे निगरानी करते थे और सूचना भेजते थे कि ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ईरान कोई परमाणु बम वगैरह नहीं बना रहा है। पर अब ईरान ने ये कह दिया कि हम उन सारे कैमरे को हटा देंगे और बकायदा इसका ऐलान भी कर दिया ईरान ने कि जो भी हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी में कैमरे लगाए हैं हम अब सब हटा देंगे क्योंकि हमें ये डील पसंद नहीं आ रही है। मतलब ये हो रहा है कि ईरान अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे हिसाब से चलो। अब जैसे ही ईरान का ये फैसला आया वैसे ही एक तो समझ लीजिए अमेरिका और ईरान की जो डील होनी थी वो खटाई पे पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद तुरंत अमेरिका 30 देशों के साथ यूएनएससी में पहुंच गया। यूएनएससी में अमेरिका ये कहने लगा कि इसके ऊपर और प्रतिबंध लगाओ, ये जो है प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा है इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए और अभी जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, इनसे सबूत मांगो कि ये सबूत दें कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर बम को बनाने की तैयारी में। अब जिसके बाद यहाँ पर 30 देश हो गए समर्थन में इस प्रस्ताव के अमेरिका के और जाहिर सी बात है रूस और चीन इस प्रस्ताव के विरोध में हो गए। आजकल यूएनएससी में यही होता है, अमेरिका अगर कोई भी रिजोल्यूशन लाता है चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, किसी के भी ऊपर तुरंत रूस और चीन विरोध में खड़े हो जाते हैं। ईरान की मंशा थी कि ईरान को साथ दे भारत, लेकिन इस मामले में भारत ने दोनों में से किसी को वोट नहीं किया और भारत ने यहाँ पर अब्सटेन कर दिया। लेकिन आपको बता दें ईरान से भारत ने यही कहा कि आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं, जो न्यूक्लियर अकॉर्ड बना था आपके और दुनिया की शक्तियों के बीच, उसका पालन कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने यहाँ अब्सटेन करके सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।